लास्ट लेक्चर में चलो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे इस पर टाइप्स पर प्रॉपर्टीज पढ़े थे। मैंने आपको बताया था कि जो अपनी किंग क्वीन और प्रिंस प्रॉपर्टी है सबसे ज्यादा उसी पर प्रॉब्लम्स क्या आने वाले सॉल्व होने वाले। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 का 3 हम लोगों ने सॉल्व किए थे। 4th वाला सेम है 0 टू a दिख रहा है तो फिर से वही टाइप लगेगी 0 टू a f(x) dx a - x dx। मैं फिफ्थ वाला सॉल्व कर रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखो। I is equals to 0 to 3 x square 3 minus x raised to 5 by 2 dx। देखो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं क्या हम लोग? कर सकते हैं अगर इसका एक्सपेंशन पॉसिबल होता तो x square को अंदर भेज देते फिर प्लस माइनस को सेपरेट कर देते। बट प्रॉब्लम ये है कि 5 समथिंग रेस टू 5 बाय 2 का एक्सपेंशन तो अपने पास अवेलेबल नहीं है। तो विदाउट मतलब एक्सपेंशन से सॉल्व नहीं कर सकते। यू ही से हां सर यू ही से कर सकते हैं। प्रॉब्लम किसको यू लूं किसको वी लूं दोनों में वेरिएबल एक्स की फिर दिक्कत है। और कुछ बचा नहीं मतलब डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं है। सॉल्व इज द अनदर ऑप्शन टाइप 0 टू a f(x) dx। साइड क्या होता है 0 टू a f(x) dx अगर है तो इसका आंसर क्या होगा 0 टू a f ऑफ a माइनस x मतलब जहां पर भी x होगा उसकी जगह a अपना a कितना है तो जहां जहां x होगा उसकी जगह क्या लिख देंगे हम लोग 3 माइनस x। तो x की जगह क्या लिखा 3 माइनस x स्क्वायर था तो स्क्वायर ऐसे यहां पर भी x की जगह 3 माइनस पावर में कितना है 5 का सही है 0 टू 3 a माइनस b दा a स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 2ab 2 3 जा 6x x का स्क्वायर x इसको बाहर निकालो 3 माइनस 3 माइनस माइनस सही है बच्चों ये माइनस 3 प्लस 3 क्या बचा 0 टू 3 9 माइनस 6x प्लस x स्क्वायर x रेस टू 5 बाय अब देखो ये बन गया पुराना वाला टाइप इस x रेस टू 5 बाय 2 मतलब भेज देते हैं सबसे मल्टीप्लाई कर देते और सेपरेट इंटीग्रेशन लगा देंगे फिर 9 x रेस टू 5 बाय 2 माइनस 6x इनटू x रेस टू 5 बाय 2 प्लस x स्क्वायर इनटू x रेस टू 5 बाय 2 d x सिंपलीफाई करके छोड़ देता हूं इंटीग्रेशन लगा लेंगे ना यस 5 बाय 2 माइनस बेस सेम पावर ऐड होगा कितना हो जाएगा 7 बाय 2 ऐसी बेस सेम है पावर ऐड होगा 2 2 जा 4 4 प्लस 9 9 बाय कर लेंगे आगे का सॉल्व अब तो सेपरेट हो गया ना भैया इंटीग्रेशन हो जाएगा यस नेक्स्ट टाइप 6th वाला देखो और 6th वाले को देखने के बाद आपको कुछ याद आना चाहिए ऑड इवन माइनस a टू a दिया है ना टाइप क्या होता था माइनस a टू a f of x dx का आंसर 0 होगा मगर कब जब फंक्शन होगा और ऑड का मतलब f of माइनस x किसके बराबर आ जाएगा माइनस f of x चेक करते हैं छठा वाला प्रॉब्लम देखो छठा सातवां आठवां नौवां चारों सेम पैटर्न पे तो ध्यान से देखो क्या दिया है माइनस 3 टू 3 x cube upon 9 minus x square dx यही function है अपना तो f of x check करते हैं वो odd है या even f of x कितना है अपना sir x cube upon 9 minus x square हम लोग क्या निकालेंगे f of minus x मतलब जहाँ जहाँ x है उसकी जगह क्या आएगा minus x सही है बच्चा लो minus x का cube minus x cube minus x का square x ये किसके बराबर है f of x के ना तो सर f of minus x किसके बराबर आया therefore function is और अगर function odd है तो उसका आंसर कितना होगा तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा function odd है इसके लिए इसका integration कितना है हो गया आंसर सबसे आसान है ना बस आपको चेक करना odd है या सातवां बता देता हूं आंसर क्या आएगा odd आएगा चेक कर लेना आप लोग एट वाला सॉल्व करते क्या दिया है I is equals to minus pi by 4 से pi by 4 x plus pi by 4 upon 2 minus cos 2x dx देखो अगर इस पूरे को आप फंक्शन मान लेते हैं बच्चों तो ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि अगर मैं x की जगह माइनस रखूंगा चेक करने के लिए तो ये pi by 4 तो एज इट इज रह जाएगा
माइनस कॉमन लूंगा तो ये x माइनस पाई बाय फोर हो जाएगा, मेरा जस्टिफिकेशन ही नहीं होगा कि फंक्शन ऑड है या, तो मैं क्या करता हूँ उसको सेपरेट कर, हम लोग क्या करते हैं इसको, क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर x अपॉन टू माइनस cos 2x प्लस पाई बाय फोर को बाहर निकाल देता हूँ 1 अपॉन 2 माइनस cos 2x dx, सही है मैं चलो माइनस पाई बाय फोर से कोई दिक्कत नहीं। अब ये मेरा एक फंक्शन है, ये मेरा एक फंक्शन है, अब चेक करते हैं। तो लेट्स से ये i1 है और ये i2, तो i1 चेक कर लेते हैं माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर एक्स अपॉन टू माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स, चेक करते हैं एफ ऑफ एक्स कितना है सर एक्स अपॉन टू माइनस कॉस टू एक्स, तो एफ ऑफ एक्स कितना, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, जहां जहां एक्स है उसकी जगह क्या आएगा माइनस एक्स, अरे हाँ है ना, तो माइनस एक्स टू माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, माइनस बाहर आने वाला, ये किसके बराबर है f of minus x किसके बराबर आया minus f, therefore function is function odd है तो answer कितना zero, मतलब i1 कितना है, अब किसकी बात करते हैं i2, what is i2sir minus 5 pi by 4 है याद रखना बाहर minus pi by 4 से 1 upon 2 minus cos 2x, फिर वही check करते हैं अपने लोग क्या होगा f of x कितना है 1 upon 2 minus cos 2x dx, और sorry f of minus x निकालेंगे तो 1 upon 2 minus cos of 2 minus x, we know that cos of minus theta is cos theta, तो ये कितना रहेगा सेम है ना दोनों, सर f of x किसके बराबर है f of minus x के बराबर है, मतलब फंक्शन इज इवन, फंक्शन क्या है चलो, और अगर फंक्शन इवन है तो हम लोगों ने पढ़े थे कि minus a to a f of x dx can be written as 2 times 0 to a f of x dx, सही है, तो अपना जो i2 है वो कितना हो जाएगा 2 times 0 to pi by 4 1 upon 2 minus cos 2x dx, वो pi by 4 है बाहर, वो बाद में लिखना, अब ये सॉल्व कैसे हो 1 upon 2 minus cos 2x को कैसे सॉल्व करेंगे, सवाल ये है, मुद्दा ये, बोलो भैया 1 upon 2 minus cos, इसको थोड़ा नीचे चलिए अच्छे से लिख देता हूं, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो गिटार बजा रहा हूं याद आता है कि नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon a cos x plus b sin x plus c वाला टाइप, सब्स्टिट्यूट 10x by 2 is equals to t, और sin 2x cos 2x होता है तो put 10x equals to t, तो cos 2x है तो हम क्या करेंगे put 10x equals to t, डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूशन कर रहे तो लिमिट्स चेंज करना ना भूले याद रहेगा, कर लोगे आगे, अच्छा ये लिख लो मैं वहां पे सॉल्व भी कर देता हूं इसके आगे का हिस्सा लिख लो पहले, यानी तो मैंने रब कर दिया गलती से, कहां तक पहुंचे थे लोग 2 टाइम 0 to pi by 4 1 upon 1 minus cos 2x 2 minus cos 2x सही है ना, अच्छा इससे पहले pi by 4 था i2 पे, वो ध्यान में रखेंगे, i1 तो 0 था तो उसका टेंशन ही नहीं, हम लोग क्या करेंगे put 10x equals to t, derivative of tan theta क्या होगा sec square x dx is equals to dt, instead of sec square theta हम लोग क्या लिखेंगे 1 plus tan square x dx is equals to tt, and what is 10x? t, so 1 plus t square dx is equals to dt, मतलब dx किसके बराबर हो जाएगा dt upon 1 plus t square, सही है, limit change करना पड़ेगा, तो भैया पहले तो cos 2x भी निकाल लेते हैं, cos 2x क्या होगा 1 minus 10 square x upon 1 plus 10 square, 10x कितना t है, तो 1 minus t square upon 1 plus t square, सही है ना, चलो अच्छा अब लिमिट चेंज करते हैं, when x is 0, जब x को 0 रख दूंगा तो t भी कितना हो जाएगा 0, tan 0 कितना होता है 0, and when x is pi by 4 तो t कितना हो जाएगा 1, लिमिट चेंज कर दो 0 to 1, ये i2 है याद रखना, और ये 2 बाहर है पहले से 0 to pi by 4, 0 to 1 है ना, 1 dx की जगह क्या रखेंगे हम लोग,
डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, नीचे क्या होगा, टू माइनस कॉस टू एक्स किएगा वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जीरो टू वन डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, टू इंटू डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, टू वन सा टू प्लस टू टी स्क्वायर, इसको बाहर निकाला माइनस वन माइनस माइनस वन प्लस टी, और ये तो टू जीरो टू वन डी टी, नीचे टू टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर थ्री टी स्क्वायर, टू माइनस वन वन, थ्री को बाहर निकाल लो तो जीरो टू वन डी टी टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री, और इसकी आप लोग क्या रख देंगे, वन बाय रूट थ्री दा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या फॉर्मूला, वन अपॉन ए टेन इनवर्स ऑन एक्स बाय ए, वन बाय रूट थ्री आएगा डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर कहाँ लिखेंगे, जीरो टू वन, वन रखेंगे तो टेन इनवर्स ऑन रूट थ्री रहेगा, जीरो रखेंगे तो जीरो जाएगा, तो ये रूट थ्री ऊपर चले जाएगा या रूट थ्री से रूट थ्री क्या कर देते हैं कैंसिल, तो टू टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री, टी की वैल्यू वन रख दिए ना, जीरो रखेंगे तो कितना आ जाएगा जीरो, ये क्या मिला आई टू, ये क्या मिला, तो आई क्या था, आई वन प्लस पाई बाय फोर आई टू, तो जीरो प्लस पाई बाय फोर टू वन का टू टू कर देते, तो पाई बाय टू टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री, हाँ उसको कुछ नहीं कर सकते, नहीं रूट थ्री है ना, कितने पे 60 पे, तो पाई स्क्वायर अपॉन, और इसकी वैल्यू पाई बाय थ्री आएगी ना, तो पाई बाय टू इंटू पाई बाय थ्री दैट इज पाई स्क्वायर बाय सिक्स, बहुत तेजी से आंसर दे रहे हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं, कौन सा सम कर रहे थे हम लोग, एट वाला, नाइन्थ वाला फिर से बता देता हूँ, ऑड आंसर कितना होगा जीरो, टेंथ वाला देखो भैया इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे सभी, I is equals to 0 to 1 log of 1 plus x upon x square plus 1 dx. Log of 1 plus 1 x plus 1 अरे 1 plus x और x plus 1 वही होगा, देखो मैम नहीं चाहता कि मैं आत्महत्या करूं, ठीक है 1 plus x को x plus 1 कैसे इतना बड़ा मतलब, बेचारे जो ऑनलाइन कभी देखेंगे बेचारे बैठ के उन्हें कौन सी क्लास को पढ़ाते थे, एक बार ना मैं ऐसी लाइन का चैप्टर पढ़ा था परपेंडिकुलर इधर बना दिया तो बच्चा बोला सर यहाँ से क्यों नहीं बना है परपेंडिकुलर, तो यहाँ से भी सच बात है, ठीक है अब कैसे सॉल्व करें, अगर आप 0 टू a ध्यान से देखो तो सर अगर मैं प्रॉपर्टी लगा दूं प्रिंस वाली प्रॉपर्टी, तो f ऑफ a माइनस मतलब x की जगह 1 माइनस x, तो यहां x की जगह 1 माइनस x रखूंगा तो ये 1 प्लस 1 2 माइनस x हो जाएगा, और नीचे ये और एक्सपांड हो जाएगा, मतलब सर जबरदस्ती का लेंथी हो जाएगा है ना, मगर सिंपलीफाई तो हो रहा मतलब डायरेक्टली तो हम सब्स्टिट्यूट कुछ और करते हैं, अब हम लोग और क्या कर सकते हैं, अपने पास u by v है नहीं, कोई सब्स्टिट्यूशन से भी काम बनने वाला नहीं है, हाँ अगर मैं x की जगह पर tan थीटा रखता हूँ तो ये 1 plus tan square थीटा बनता है, कुछ शंका, हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन के तीन टाइप पढ़े थे 1 plus x square 1 minus x square या x square minus 1, तो जब 1 plus x square होता था तो x की जगह क्या पुट करते थे tan थीटा, put x equals to tan थीटा, तो ये कितना आ जाएगा dx derivative of tan theta is sec square theta d theta, अरे हाँ है ना बच्चा, अब यहाँ पर dx की जगह sec square theta d theta, limit change करना पड़ेगा, when x is 0, when x is tan 0 कब होता है 0 पर, तो theta भी कितना हो गया 0, when x is 1, तो tan 1 कब होता है pi by 4 पर, तो ये कितना हो गया pi, सही है 0 to pi by 4 log 1 plus x की जगह क्या आएगा tan थीटा, नीचे क्या बचा है 1 plus tan square theta which is nothing but sec square theta, ऊपर dx की जगह क्या रखना है sec, ठीक है यहां तक समझा बच्चे लोग, मैंने क्या किया log a minus log b, अब जरा ध्यान से देखो
ये किसके बराबर है? आई के बराबर। तो इसकी जगह मैं क्या, यहां पर आई था और यहां पर जीरो टू पाई बाय फोर लॉग टू डी थीटा माइनस आई, माइनस आई इधर आए तो आई प्लस आई, लॉग टू को बाहर निकाल लेंगे, जीरो टू पाई बाय फोर डी थीटा। एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा? थीटा पाई बाय फोर से जीरो, तो पाई बाय फोर रखेंगे तो पाई बाय फोर होगा, जीरो रखेंगे तो टू को भी नीचे फेंक देते हैं, तो आई की वैल्यू कितनी आई? पाई बाय एट लॉग चिंदी, देखिए ठीक है सभी लोग, ये नोटिस ये अपने लोग रूट थ्री ले लिए थे, सही लिखे ठीक है भैया, तो आंसर बदल जाएगा, गलती से रूट थ्री लिख दिए थे उसको, उसको सही करेंगे आपको। नंबर 11 सेम पैटर्न पर है जैसा अभी हमने 8 वाला सॉल्व किया था, सेपरेट करो x क्यूब अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 और 2 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4, x क्यूब अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 ऑड आ जाएगा उसका आंसर 0 हो जाएगा, और 2 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 इवन में आएगा, 2 को बाहर निकालना और 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। हम लोग आते हैं सम नंबर 12, सम नंबर 12 भी सेम ऑड इवन, उसका आंसर ऑड आने वाला है, केजरीवाल बन गए हम लोग ऑड इवन, ठीक है एग्जाम में दुआ करेंगे सर हम लोग का ऑड आना चाहिए, इवन नहीं आना ऑड आना, पर वो ऑड वाली दिन गाड़ी चलाएंगे, ठीक है। 13 0 टू 1 ये भी प्रॉब्लम अभी किए थे बच्चे लोग, ये dt है dx नहीं, वैसे भी वेरिएबल से कोई फर्क पड़ने वाला है। अब जरा यहां देखो अभी इसके जैसा हमने एक प्रॉब्लम किए थे सम नंबर 5, देखो यहां पर मैं यहां पर क्या करता हूं प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं 0 टू a f ऑफ x dx कैन बी रिटन एज 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx, सही बात है, क्या होगा सर 0 टू 1 t की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस t का होल स्क्वायर है ना बच्चा, ठीक है, और यहां पर रूट के अंदर क्या होगा 1 t की जगह 1 माइनस t, तो 0 टू 1 1 माइनस इसको ओपन कर लेते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बाहर आएगा ये 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 माइनस 1 बना पीछे वाले जैसा 1 माइनस 2t प्लस t स्क्वायर और ये t इज टू हाफ, अंदर मल्टीप्लाई करना और फिर सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन हो जाएगा सॉल्व, चिंदी है। नेक्स्ट 14 वाला क्या दिया है, i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई एक्स साइन एक्स इनटू कॉस एक्स, सभी लोग यहां पर ध्यान से प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं 0 टू a f ऑफ x dx, देखो सब जगह यही यूज हो रही है बच्चों, अब समझ में आया ना क्यों नाम रखे थे, इसके बिना चले ही नहीं सकते, मुन्नी रखे थे नाम रिचा का नाम मुन्नी, ध्यान ध्यान देंगे सर, तो 0 टू a f of x dx कैसे करती है, अच्छा आपने बस पीछे बड़ी मुंडी है, ठीक है 0 टू a f of x dx कैन बी रिटन 0 टू a f of a minus x dx, सब्स्टिट्यूट करते हैं अपना a की तरह, चलो तो 0 टू पाई, यहां देखो जहां जहां x है उसकी जगह क्या आएगा sin पाई माइनस x cos स्क्वायर पाई माइनस x dx, तो 0 टू पाई पाई माइनस x साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है सर, पाई में रेशियो चेंज नहीं होता, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है पॉजिटिव, ऐसी cos 180 माइनस थीटा 180 पे रेशियो बदलेगा नहीं cos x होगा, बट सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस है, बट सर स्क्वायर है तो प्लस ही होने वाला, कोई दिक्कत नहीं है,
अब मैं ये साइन एक्स कॉस स्क्वायर है, इसको अपना मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखो, जीरो टू पाई, पाई साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस जीरो टू पाई, ये कितना होगा, जीरो टू पाई पाई साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस जीरो टू पाई, सेपरेट कर रहा हूं लिमिट, एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। और ये देखो बच्चे लोग, इसके बाद इसकी जगह क्या लिख देंगे हम लोग, आई माइनस आई इधर आया तो माइनस आई प्लस आई, माइनस आई इधर आया तो आई, आई प्लस आई कितना होगा जीरो टू पाई, पाई को बाहर निकाल देते हैं, साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे प्रॉब्लम बहुत बार की, क्या करेंगे सर, कॉस एक्स को पुट कर देते हैं, तो पुट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, put cos x equals to derivative of cos x is minus sin x dx is equals to dt, तो सर sin x dx किसके बराबर हो गया, लिमिट चेंज करना पड़ेगा, when x is 0 cos 0 कितना होता है 1, when x is pi तो pi पे कितना होता है minus, सही ना भैया, तो लिमिट चेंज कर लिए थे, ये 2y है, pi बाहर था, 1 से minus 1, यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या आएगा माइनस डी टी, और कॉस एक्स की जगह क्या रखते हैं टी, तो टी का स्क्वायर। अब माइनस को अंदर भेजेंगे तो लिमिट चेंज हो जाती है, याद है ना टाइप, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज माइनस ए टू माइनस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, याद आया, तो मैं माइनस को अंदर भेज देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा माइनस वन टू वन टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू टू आई, तो टी क्यूब अपॉन थ्री ठीक है, माइनस वन टू वन रखेंगे तो कितना जाएगा वन अपॉन थ्री माइनस माइनस वाला जीरो नहीं होगा, माइनस वन का क्यूब माइनस वन होगा, माइनस माइनस तो वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री दैट इज तो टू पाई बाय थ्री इज इक्वल टू टू आई, टू से टू चिंदी लिख लो।